में श्री राम जन्मभूमि की महाअभियान भव्य शोभा यात्रा का राजकीय पुलिस अधिकारियों ने किया मौका निरीक्षण। बनारस में कल 10 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके चलते अनुग्रह एसपी हंसराज सिंह, डीआई प्रवीण चौहान, तहसीलदार भरत कुमार साहब, कई राजकीय पुलिस अधिकारियों ने जिस रास्ते से शोभा यात्रा निकाली जाएगी उस रास्ते का पैदल चलकर फ्लैग मार्च कर निरीक्षण किया। वो रास्ते को सुलभ और आसान बनाने के लिए नगर पालिका के यो राजस्व के यो पुलिस अधिकारियों ने पैदल चलकर यात्रा वाले रास्ते को देखा। यो जहां अतिक्रमण था वहां उच्च अतिक्रमणधारियों को तत्काल अपना अतिक्रमण हटाने की बात करते हुए तत्काल हटाने का नोटिस दिया। मुरैना से कार्यक्रम प्रसार शिकार एसपी और आप अपने पूरे अमले के साथ इधर फ्लैग मार्च में घूम रहे हैं, क्या कारण है? शहर का भ्रमण कर रहे थे, मुख्य रास्ताओं को देख रहे थे। कल एक शोभा यात्रा निकल रही कि कहाँ से गुजरेगी, उस रास्ते को देखना था हम लोगों को साथ में। आज आपके साथ में पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की कुछ अधिकारी वगैरह और टीआई केलर साथ में, क्या मामला है सर? नहीं, ये थाना केलर क्षेत्र में आए थे, तो मार्केट क्षेत्र क्योंकि हमारा क्षेत्र लगता है, तो अपने मार्केट घूमना और क्षेत्र घूमना और यहाँ पर जैसे जो भी आयोजन होना है, कल में होना, कभी भी होना, अपने क्षेत्र का ज्ञान होना हर किसी के लिए आवश्यक है। और कल एक शोभा यात्रा भी निकलना है, उसका मार्ग भी हम देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए आए थे, तो सभी मिलकर इसकी तैयारियाँ कर रहे थे ताकि कल उचित व्यवस्था लगाई जा सके। थैंक यू सर।